जिसके जिसके हाथ में मोबाइल है पहले फ्लाइट मोड में डाल लो सब तुम लोग, नहीं तो हम फ्लाइट करा देंगे यहाँ से। डालो जल्दी। और तुम लोगों के हाथ में एको को मोबाइल नहीं है? लड़कियों के हाथ में एक भी मोबाइल नहीं है? तुम लोग के हाथ में सच में बैग चेक करूं क्या मैं? तुम लोग के हाथ में एक भी मोबाइल नहीं है? ये देखिए, ये लड़कियां है सब और इन सब के हाथ में एको को मोबाइल नहीं है, और इधर सब लड़का सब है सब, और इन सब के हाथ में बैग में दो दो को मोबाइल है, दो दो को मोबाइल है इन सब के पास, और इन सब के पास जीरो है। और यही कारण है कि आज के समय में लड़कियां सबसे ज़्यादा सफल हो रही है। अभी हम लोग एक फैक्ट्री में आए हैं, और फैक्ट्री में इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ब्राउज़र है, और इसमें जो है आईआईटी और मेडिकल का जब आप लोग रिजल्ट देखेंगे तो इसको खदान ही कहेंगे, क्योंकि ये पटना का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से हर साल आईआईटी में, प्रॉपर आईआईटी में कम से कम 700 बच्चे जाते हैं, आईआईटी और एनआईटी में कम से कम 2500 से ज़्यादा बच्चे जाते हैं, और मेडिकल में 3000 से ज़्यादा बच्चे जाते हैं। सही है सर? बिल्कुल। और ये हैं आनंद सर, जो इस फैक्ट्री के संचालक भी हैं और टीचर भी हैं। पहले इनके लिए एगो ताली बजाएगा सब तुम लोग। अब देखिए, इस सबको देखिए। अच्छा चलो, बस रहने दो, अब हो गया। अच्छा ये बताओ कि कौन कौन जो है अपने जीवन में सफल होना चाहता है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सच में, कसम से। हाँ तो मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बना लो तुम लोग, ठीक है? बनाओगे दूरी? हाँ तो सफल हो जाओगे। आज पहली बार हम आपको फैक्ट्री दिखाने जा रहे हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग का, सही है सर? जी, फैक्ट्री वर्ड तो पहली बार आपके मुंह से सुना है मेंटर्स के लिए। हाँ। लेकिन ये है कि जो भी बिहार के ब्राइट बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, उन सबको हम लोग आईआईटी में भेजें, मेडिकल कॉलेजेस में भेजें, ताकि मैंने फैक्ट्री शब्द का जिक्र इसलिए किया है सर कि मेरे पास एक 2015 का पेपर लगा है, प्रभात खबर है, और ये 4 पेज है, और चारों पेज में सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों का फोटो ही है। ये बच्चों का फोटो ही है, और इस पे जो है ये सारे बच्चे जो है जो क्वालिफाई किए हैं उनका फोटो आपने छपवाया है। हाँ। ये और उसके अलावा जो है मेरे पास एक ये ब्राउज़र है मेंटर्स का 2020-2021 का, तो 769 बच्चे जो है आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं यहाँ से। एक बार ताली बजाओ। आईआईटी के बाद से आईआईटी और एनआईटी में जो है यहाँ से जो है ये आईआईटी और एनआईटी में 3728 यानी 3728 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ताली बजाओ, अगली बार तुम लोग सेलेक्ट होगे। और उसके बाद से सर मेडिकल में यहाँ से जो है 2635 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 2635। और उसके बाद से जो है ओलंपियाड में भी जो है यहीं से बच्चे जो है सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, और शायद यहीं से ही होते हैं सिर्फ, इसीलिए मैंने फैक्ट्री शब्द का जिक्र किया है। थोड़ा सा इधर आ जाइए बच्चों के बीच में, क्योंकि हमें बच्चों के बीच में ही रहना है और इन्हीं का भविष्य बदलना है, और बच्चों के बीच में जब आप खड़े होंगे और वहाँ से जब सवाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर एक बात बताइए, आप कोचिंग संचालक हैं या एक शिक्षक हैं या एक मेंटर हैं? जैसा आपने पूछा, कोचिंग संचालक हैं, शिक्षक हैं या मेंटर है, तो मैं अपने आप को मेंटर ही बोलूँगा इन बच्चों का। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, बच्चों का एक सही मार्गदर्शन करना और बच्चों को उनके मंजिल तक पहुंचाना, वो हमारा काम है। तो मेंटर इस साल जो है तुम लोग मंजिल तक पहुंचोगे, लेकिन ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो। अगर थोड़ा सा भी बेईमानी किए, इधर उधर ताक झांक किए, तो समझ जाना तुम लोग, समझ जाना। और सर जो हैं वो डायरेक्टर हैं, और मैं इनकी कहानी और इन बच्चों की कहानी इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारे बिहार के बच्चे जो है ना, उनके माता पिता लिट्टी चोखा बिहार में खाते थे, और बच्चे जो है कोटा में जाके पढ़ाई करते थे। अब हमारा ये जितना बच्चा सब है सब पटना का लिट्टी चोखा खाएगा सब, और पटने में पढ़ाई करेगा सब। सही है ना सर? क्या देख रहे हो? सब देख रहे हैं अपने भैया को, सब अपने भैया को। अगली बार तुम्हारा फोटो छपेगा इस पे। किधर छपवाना चाहते हो? इस पे तो इधर लड़की है, उसकी जगह पर मैं आ जाऊंगा। मतलब लड़की के जगह पे तुम? यस सर।
और सुनो एक और चीज, मेंटर्स ने बच्चों को इसलिए भेज दिया है कि वो सारे बच्चे मोबाइल से दूर थे, तो तुम लोगों के भी गार्जियन बड़ी मेहनत करके पैसा भेजते होंगे, उनका गंजी फटा हुआ रहता होगा, उनका अंडरवियर फटा हुआ रहता होगा, उनका धोती फटा हुआ रहता होगा, हंसने की बात नहीं है, सीरियस बात है, उनका कपड़ा फटा हुआ रहता होगा, लेकिन तुम लोगों का कपड़ा जो है चकाचक रहता है। Yes, सही है कि नहीं है? Yes, तुम लोग जब फोन करते हो कि पापा मुझे 1,000 रुपया चाहिए, तो वो ये नहीं कहते हैं कि किस कष्ट में मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगा। हाँ मैं दूंगा, और कहां से लेके आते हैं उसका कीमत जिस दिन तुम लोग समझ जाओगे, तुम सभी बच्चे जो है ना उसी दिन जो है IIT और मेडिकल में रहोगे उसी दिन। तो शिक्षक के मेहनत का फल और गार्जियन के ईमानदारी का फल जो है ना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना मेहनत करते हो। और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ें, क्योंकि बिहार के बच्चे जो है बिहार से बाहर जाते थे, मोटा मोटा फीस देते थे बिहार से बाहर, बिहार के टीचर बिहार से बाहर जाते थे और वहाँ पे पढ़ाते थे। जिस दिन बिहार में अच्छा प्लेटफॉर्म मेंटर्स जैसा खड़ा हो जाएगा, और सिर्फ इन्हीं का प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा अनेकों प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और जिस दिन वो सब खड़ा हो जाएगा उस दिन बिहार का विकास हो जाएगा। अच्छा, IIT करने के बाद मेडिकल करने के बाद तुम लोग बिहार का मदद करोगे या बिहार से बाहर जाकर नौकरी करोगे? बिहार का या बिहार से बाहर का? तो गुरु दक्षिणा के रूप में सर को सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहिए कि तुम लोग IIT और मेडिकल क्वालिफाई करो, और क्वालिफाई करने के बाद अपने जीवन का सिर्फ 10% हिस्सा बिहार को दे दो। दोगी कि नहीं दोगी? यस सर। दोगी कि नहीं दोगी? देंगे। दोगी कि नहीं दोगी? देंगे सर। चलिए यही बच्चे जो है बिहार का दशा और दिशा बदलेंगे। चलिए सर पीछे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं बैक बेंचर कौन कौन है और क्या क्या करते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अनुज कुमार। अच्छा सर पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ते हो तुम? अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ते हो, ईमानदारी से? सर। अच्छा घर कहाँ है तुम्हारा? घर खगड़िया हुआ। खगड़िया। पापा का नाम क्या है? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, इस बच्चे के पिताजी देखिए, आपका बेटा जो है ईमानदारी पूर्वक पढ़ता है। तुम्हारा चेहरा इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब पूरा 2 साल तुम ईमानदारी पूर्वक पढ़ोगे। कौन सा स्ट्रीम में हो तुम अभी? IIT। जी IIT। तो इस बार क्वालिफाई कर लेना है ना? यस। एकदम खड़ा हो जाओ, चलो बेंच पे खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, इसके लिए ताली बजाइए लोग। ईमानदारी पूर्वक पढ़ना, देख लो मैं भी आया हूँ, सर भी आए हैं। सर इन बच्चों को आप मोटिवेट कैसे करते हैं? मेनली इन बच्चों को जो मेरा संदेश रहता है कि आप सेल्फ स्टडी पे खूब ध्यान दें। आपको अच्छी पढ़ाई यहाँ मिल रही है, अच्छी किताबें मिल रही है, डाउट की सुविधा है, हेल्प सेशन है, लेकिन जब तक आप खुद पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इनको तो खुद पढ़ाई करते हो कि नहीं तुम लोग? करेज पे हाथ रख के बोलो तो। देखिए सब 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 करेज समझता है सब। चलो ठीक है, अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे और यहाँ से पढ़ने के बाद घर पे सेल्फ स्टडी करोगे तो रिजल्ट 100% होगा। 2011 से अभी तक कितने बच्चों को IIT में आपने भेजा है? IIT में कम से कम 5,000 बच्चे गए होंगे मेंटर्स से। 5,000 बच्चे गए होंगे। बिल्कुल। और भविष्य में तुम लोग जाने वाले हो। Yes, तुम लोग, और जो जो ईमानदारी पूर्वक पढ़ेगा वो जाएगा, और जो इधर उधर ताक झाक करेगा, जिसका धड़कन जो है ज़्यादा धड़केगा, मतलब दिल, समझ जाना सब तुम लोग, तो बस। और एक बार सफल हो जाओगे, एक बार IITian बन जाओगे, एक बार डॉक्टर बन जाओगे, तो फिर जो है अनेकों लोग मिल जाएंगे। हर लड़कों को ज़्यादा तुम लोगों को समझा रहा हूँ, चूँकि तुम ही लोगों के पास ज़्यादा मोबाइल है। अच्छा अभी आधुनिक युग है, मोबाइल का युग है, मोबाइल से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चैट करते हैं, अब किससे करते हैं यही लोग बताएंगे, तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मोबाइल आज बच्चों की आवश्यकता भी है, क्योंकि जैसे मेंटर्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है ऑफलाइन में, लेकिन उनको सारा ऑनलाइन सपोर्ट भी हमने दिया हुआ है। जैसे बच्चों को जो क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं वो अगर उनसे नहीं हो रहा है तो वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, जो बच्चे क्वेश्चन नहीं मतलब उसको चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन का फोटो भेज के उसका सॉल्यूशन मंगा सकते हैं टीचर से। तो आवश्यकता तो है, लेकिन इस युग में ये भी है कि अगर वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं, मेंटर्स का मी डिजिटल ऐप है, तो बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जिसमें कि बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। तो मेरा बच्चों एडवाइस होगा कि आप ज़्यादा टाइम अच्छे ऐप पे गुजारे जहाँ पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती है। तुम लोग अच्छा ऐप पे गुजारते हो या व्हाट्सएप चैट पे गुजारते हो ज़्यादा समय?
देखिए कुछ कुछ व्हाट्सअप चैट भी बोल रहा है सब, वो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? सब सुनाई दे रहा है। अच्छा ऐप पे गुजारते हो समय कि व्हाट्सअप चैट पे? अच्छा ठीक है, आज लड़कियां अब सिर्फ बोलेगी। तुम लोग जो है ऐप पे ज्यादा समय गुजारती हो, अच्छा ऐप पे या व्हाट्सअप चैट पे या मेकअप पे या पढ़ाई पे? अच्छा ऐप पे और पढ़ाई पे। अच्छा ऐप पे और पढ़ाई पे, मेकअप पे नहीं सर, और चैट पे भी नहीं? नहीं सर। चलिए खड़ा हो जाइए, ताली बजाइए इस बच्ची के लिए। चलिए ठीक है, एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसके किसके पास चाइनीज मोबाइल है? नहीं रखना है। तुम लोग चाइनीज हो? नहीं ना हो? नहीं तो बहुत सारा ऑप्शन है। चीन हमारा दुश्मन देश है, बार बार भारत पे अटैक करते रहता है, कभी फाइटर प्लेन लाता है, कभी 5G का टावर जो है बॉर्डर पे लगवा देता है। तो चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। उसका तो एक नुकसान देश को होता है, दूसरा नुकसान क्या होता है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आप लोगों का सारा डेटा लीक हो जाता है, और अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च मारते हैं या बैंकिंग डिटेल्स उसमें डालते हैं तो आपका बैंकिंग डिटेल्स जो है साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है। और ऐसे अनेकों उदाहरण है, अभी अनिसाबाद में एक आदमी ने केस किया, एक बच्चा नहीं केस किया, चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल करता था और उसने अपना बैंक का पूरा डिटेल्स डाला था, उसका खाता का पूरा पैसा खत्म हो गया। तो ये भी डेटा जो है लीक होता है। तो चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल अगर अभी खरीद लिया हो तो ठीक है, उसमें बैंकिंग डिटेल्स मत डालना, अपना पर्सनल डिटेल्स तुम लोग मत डालना, लेकिन आगे से तुम लोग नहीं खरीदोगे। सैमसंग है, चाइनीज नॉन चाइनीज ब्रांड है, HTC है, आसूस है, आईफोन है, नोकिया है, पैनासोनिक है, सोनी है, सही है कि नहीं है? ये सारा नॉन चाइनीज ब्रांड है, उसमें तुम लोग सुरक्षित रहोगे। जैसे मेंटर्स में सुरक्षित हो ना, हो कि नहीं सुरक्षित? हो कि नहीं सुरक्षित? तुम लोग कोई चाइनीज कोचिंग में नहीं ना पढ़ रहे हो? नहीं ना पढ़ रहे हो? तो जैसे यहाँ पे सुरक्षित हो वैसे ही नॉन चाइनीज मोबाइल इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे भी तुम्हारा सारा डिटेल्स जो है सुरक्षित रहेगा। चलिए सर ये तो हो गया, एक हमारा जो बात जो है हमेशा बच्चों के साथ होते रहता है वो हो गया। अच्छा क्या नाम हुआ तुम्हारा? रवि कुमार मिश्रा सर। अच्छा मिश्रा जी चश्मा कब से लग गया है? 10 दिन हुआ। 10 दिन हुआ, मतलब मेंटर्स में इतना ना ज्यादा पढ़ लिया कि चश्मा लग गया? नहीं सर, पहले से थोड़ा तकलीफ था आँख में। पहले से तकलीफ था, मेंटर्स में आते आते तकलीफ बढ़ गया। अच्छा यहाँ के शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, फिर से मैं कह देना चाहता हूँ कि बिहार के ब्रांड को प्रमोट करना। अगर ये बिहार में बिहार के बच्चों को सही ढंग से पढ़ा रहे हैं तो बिहार के बच्चे इनसे क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्यों जाएंगे बाहर? और अगर ये गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं तो इनके पास नहीं आएंगे। तो ये बातें जो है मैं बच्चों से पूछूंगा। तो ये यहाँ पे अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? हाथ उठाओ, किसको किसको अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है? एक दो को लड़की नहीं उठाई है। उठाओ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों उठाओ, दोनों, हाँ सब उठा दिया सर। यानी अच्छे से पढ़ाया जाता है। जब अच्छे से पढ़ाया जाता है तो बिहार के गार्जियन से भी मैं विनती करना चाहता हूँ, और 9वां 10वां क्लास का लड़कुआ को थोड़ा सा ज़्यादा घूमने का शौक रहता है कि कोटा में जाएंगे तो ज़्यादा कोटा हो जाएंगे, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे मत जाइए, आप बिहार में रहिए और बिहार में पढ़िए। अगर कोटा से आधे फीस में बिहार में आपको पढ़ा के और कोटा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया जा रहा है, यहाँ पे इतने सारे बच्चों को जब IIT और मेडिकल में भेज दिया जा रहा है तो क्यों नहीं आनंद सर के पास क्यों नहीं आएंगे? ये सारे सर के पास क्यों नहीं आएंगे बच्चे? सही है कि नहीं है? बिहार के वो माता पिता से आप क्या कहना चाहते हैं जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा कोटा में जाएगा तो ही सफल होगा? नहीं, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि मैंने दिल्ली में भी पढ़ाया 4-5 साल, कोटा में 3 साल पढ़ाया, हैदराबाद में 2 साल पढ़ाया है। जो भी वहाँ की अच्छी चीजें हैं, आपका पढ़ाया हुआ बच्चा जो है ऑल इंडिया टॉपर भी बना है? बिल्कुल, ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, 2 आया है, 3, 4, 8 सारे रैंक को मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जब मैं वहाँ पे था, कोटा में था या दिल्ली में था या हैदराबाद में था, तो हमेशा एक सोच रहती थी कि बच्चे बिहार के, टीचर बिहार के और कोचिंग कोटा का या दिल्ली का या हैदराबाद का। तो हमेशा से ये था कि बिहार का अपना ब्रांड क्यों ना हो, बच्चों को बिहार में रह के बिहार के। मेंटर्स जो है 2011 से बिहार का ब्रांड है, आज से नहीं है, नया नहीं है, 1-2 साल का नहीं है। वो किधर गया ब्राउजर लेके आओ तो, किसके बेंच पे मैंने छोड़ा है? हाँ दीजिए, ये आज का नहीं है, ये 2011 का है। और हर साल जो है स्टेट टॉपर, नेशनल लेवल पे टॉपर, देखिए झारखंड टॉपर, बिहार टॉपर, बिहार टॉपर, बिहार टॉपर एम्स में, NEET UG बिहार टॉपर, यहाँ पे जो है बच्चे अक्सर करते रहते हैं। तो अगर जो है बच्चे यहाँ से टॉप कर रहे हैं तो हमारे बिहार के बच्चों को बिहार से बाहर भेजने की क्या ज़रूरत है? सही है ना सर? बिल्कुल।
इवन जो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को उसमें बोर्ड का, आईआईटी का या मेडिकल का, ओलंपियाड का, सारे एग्जाम का ध्यान रखा जाता है। आप देखेंगे इसमें जो बिहार की टॉपर रही है बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड की नाव्या, ये मेंटल स्टूडेंट रही, अभी भी पढ़ रही है वहाँ पे, टेंथ में इसने बिहार में टॉप किया। 99% मार्क्स आया था, तो 1% कहाँ चला गया सर? 1% चूंकि हम लोग साइंस और मैथ्स में डील करते हैं तो हमारे सब्जेक्ट में तो 100% लाया इन्होंने, बाकी सोशल स्टडीज में थोड़े मार्क्स के कम हो गए थे। ये देखिए आपकी, आप लोगों की एक बहन, जितना लड़का है सब सबकी बहन है और लड़की है उन लोगों की बड़ी बहन है। देखिए 99% मार्क्स लेके आई है, तो आप लोग 99% लेके आओगे कि नहीं लेके आओगे? अरे ससुरा 100% कौन लेके आएगा? कौन लेके आएगा 100%? सोच लो, अगर नहीं लेके आओगे ना तो फिर रिलाई भी होगा बढ़िया तरह से। लाओगे ना 100%? चलो खड़ा हो जाओ, चलो उस पर खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, हाँ खड़ा हो जाओ, और चेहरा घुमाओ पीछे, सबको दिखाओ ये लड़का जो है 100% लेके आएगा, घुमाओ पीछे चेहरा, ताली बजाओ इसके लिए। और हाँ एक और चीज, किसी को भी मोटिवेट करना है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ाना है, टंगरी खींचना नहीं है। कौन सी नहीं खींचना है? तो कल से मत खींचने लगना सब, किया तू 100% लेके आएगा, हम तो 60% लेके आएंगे, तुमको भी हम पीछे लाएंगे, ऐसा नहीं करना है, सही है ना? अच्छा बैग में क्या क्या रखे हो दिखाओ तो, ये देखिए इसका बैग चेक करते हैं, आ जाइए थोड़ा सा, हाँ अच्छा दिखाओ दिखाओ, कुछ आलतू फालतू चीज़ नहीं ना रखे हो? हाँ पहले 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, चलिए ठीक है अभी कोरोना नहीं है। हाँ और मोबाइल वा किधर है तुम्हारा, मोबाइल किधर है? अच्छा चलिए, नहीं नहीं पॉकेट में, पॉकेट में, हम सोचे कि इसके लिए ताली बजवा दिए लेकिन चलिए ठीक है, बेचारा जो है पढ़ाई के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करता होगा ये लड़का। और पापा क्या करते हैं बाबू तुम्हारे? फार्मर हैं। फार्मर है, खड़े हो जाओ। कहाँ घर है तुम्हारा? देवंझौली, औरंगाबाद, औरंगाबाद जिला। हमारे बिहार के गार्जियन कितना मेहनत करके जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं वो समझना होगा। और उम्मीद है कि सर जो है जिस प्रकार से अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से बच्चे जो है अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और सफल होंगे। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? आईआईटी की। चलो ठीक है, इस बच्चे के लिए एक बार ताली बजाइए। अब इधर जो है लड़कियां बैठी हुई है उन लोगों का भी थोड़ा सा बैग चेक कर लिया जाए, इसलिए बैग चेक करना जरूरी है कि अगली बार से कम डर तो रहेगा कि कोई तो आके चेक कर सकता है तो उल्टा सीधा सामान नहीं लेके आएंगे। तो किसका किसका बैग चेक करें? ये देखिए सब हाथ उठा रही है। आखिरी में मैं सर से पूछने जा रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा फीस देने में कैपेबल नहीं हो तो यहाँ पे कैसे पढ़ाई करेगा? यहाँ पे जैसे पहले ही जैसे आपने बताया और बच्चों को पता भी है कि बच्चों का जो फी हम लोग लेते हैं वो कोटा दिल्ली से आधा फी लेते हैं। अगर किसी बच्चे को निर्धनता है या किसी वजह से नहीं दे पा रहा है तो उसको हम लोग का व्यवस्था है, हेल्प सेशन में उसको एप्लीकेशन देना है, वहाँ से उसके देखा जाएगा क्यों नहीं दे पा रहा है और उसको मदद की जाती है। हेल्प सेशन में एप्लीकेशन देगा, अगर वो टैलेंटेड है तो उसका मदद यहाँ पे किया जाएगा। चलिए ठीक है, बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोगों को? कैसा लगा? कौनो छावड़ा कुछ बोलना चाहता है? बताओ 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 बताओ। नहीं बोलना चाहता है, नहीं बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहते हो? कुछ नहीं है, बोल रहा है। चलिए ठीक है, जय हिंद।